प्रिय भैया बहनों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका विद्यालय की ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 के लिए सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, उपयोगी साबित होगी। ये कहानी एक महेंद्र के द्वारा गणेश को सुनाई गई है। महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइजर है और उसे अपने काम के कारण इस स्थान से उस स्थान पर आने जाना पड़ता रहता है। ईश्वरन उसका रसोईया है, जो उसको भोजन बनाने के अलावा उसके और भी कई सारे काम करता है। ईश्वर कहानियाँ कहने का शौकीन है और वह स्वयं भी कहानियाँ गढ़ता है। वह अपनी कहानियाँ महेंद्र को सुनाता है। उसकी कहानियाँ इनक्रेडिबल या कहना चाहिए सुधारना करने लायक होते हैं, हालांकि वे रोचक और उत्सुकता से पूर्ण होते हैं। उसने महेंद्र को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने उस हाथी को नियंत्रित किया। उसने एक डरावनी कहानी भी सुनाई जिसने महेंद्र को बुरी तरह से भयभीत कर दिया था। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। ये कहानी गणेश को एक नवयुवक द्वारा सुनाई गई, महेंद्र बाई नेम, जिसका नाम महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वह एक जूनियर सुपरवाइजर था एक कंपनी में, जो कि सुपरवाइजर उपलब्ध कराती थी विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट को, कंपनियों को, फैक्ट्रीज को, पुलों के निर्माण को, डैम के निर्माण को और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए भी। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। और महेंद्र का जो काम था वो जो काम की साइट होती थी, जो कार्यस्थल होता था, उस पर एक्टिविटीज पर नज़र रखने का था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ही ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। और उसको जाना आना पड़ता था इस स्थान से दूसरे स्थान पर प्रायः, जैसा कि और जब भी उसके हेड ऑफिस से उसको आदेश होता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ही ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। उसको जाना पड़ता था इस स्थान से उस स्थान पर जब कभी भी उसके हेड ऑफिस से उसको आदेश होता था। फ्रॉम अ कोल माइन एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। एक कोयले की खान से जहाँ काम हो रहा होता था और एक रेलवे ब्रिज का जहाँ निर्माण हो रहा था, रेलवे पुल का जहाँ निर्माण हो रहा था, उस साइट पर भी। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट। और वहाँ से उसको कुछ एक महीनों के बाद एक केमिकल प्लांट के लिए जाना पड़ा, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं लगाया जा रहा था। ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ एड कॉन्स्टिट्यूशंस। वह कुंवारा था, उसकी आवश्यकताएं साधारण थीं और वह अपने आप को हर प्रकार की कंडीशन में एडजस्ट करने में सक्षम था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मैक्स शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द ईस्टर्न क्वार्टरी। अब चाहे वह असज्जित सर्किट हाउस हो, विश्राम स्थल हो, विश्राम गृह हो, और या फिर कैनवास का बना हुआ तंबू पहाड़ी क्षेत्र के बीच में बना हुआ, बट वन असर्ट ही हैड बाज हिज कुक। लेकिन एक संपत्ति उसके पास थी और बहता उसका रसोईया कुक ईश्वरन।
द कुक वॉच क्विट अटैच टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंटिंगली वेन एवर ही वॉज पोस्टेड। और वह जो कुक था वो बहुत लगाव रखता था महेंद्र से, और हर जगह जहाँ पर उसकी नियुक्ति होती थी वहाँ वो उसके साथ जाता था बिना किसी शिकायत के। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटर्ड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक से बातें करता था, गप्पे लड़ाता था। ही कुड बी आउट एंडलेस स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स एनेक्डोट्स ऑन ब्राइट सब्जेक्ट। और ये उसकी खूबी थी कि वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ खुद ही बना सकता था, खुद ही गढ़ सकता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इन्ग्रेडियंट। ईश्वरन को एक आश्चर्यजनक रूप से वो क्षमता प्राप्त थी कि वो ताज़ी सब्जियां कहीं भी तुरंत पैदा कर सकता था, सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से, इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल और माइल्स अराउंड। एक सुनसान जगह पर भी जहाँ दुकानें भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी वहाँ भी वो सब्जियाँ प्राप्त कर लेता था। ही कुड मिरेकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस विद द फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एंड न्यू बर्कशॉप। वह जस्ते की चादर के आश्रम में भी नए कार्यस्थल पर रहस्यमय ढंग से और जादू से एक घंटे में ताज़ी सब्जियों से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिया करता था, ये उसकी खूबी थी। महेंद्रा वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। महेंद्र सुबह को जल्दी उठ जाता था और नाश्ता करने के बाद कुछ तैयार भोजन लेकर के वो काम के लिए निकल पड़ता था, काम पर चला जाता था। मेनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट, और उस समय जो ईश्वरन था वो उस सेट को जिसमें वो निवास करते थे रहते थे उसको साफ कर लेता था, वॉश द क्लॉथ कपड़े धो लेता था, एंड हैव ए लीजरेसली बाथ, और बड़े आराम के साथ फुर्सत के क्षणों में स्नान करता था। पावरिंग सेवरल बकेट्स और वाटर ओवर ए जेड, कई सारी बाल्टियों भरा पानी, कई सारी बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर से उड़ेलते हुए, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे समय प्रार्थना गुनगुनाते हुए। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक अल्पाहार यानी लंच का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और खाना खाने के बाद वह कुछ क्षण के लिए पढ़ता था बिफोर डोजिंग ऑफ, जब तक उसको झपकी आती थी उससे पहले। द बुक वॉज यूजली पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड ऑफ पेजेस, और किताब आमतौर पर तमिल का कोई रोमांचक उपन्यास हुआ करता था जिसमें सैकड़ों पेज हुआ करते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लॉरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और जिसकी काल्पनिक विवरण और उसके कहना चाहिए वर्णन करने का तरीका ईश्वरन को रोमांच से भर देता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, उसका अपना वर्णन भी जो कहानियाँ वो कहता था उसके द्वारा कही गई कहानियाँ भी बहुत अधिक प्रभावित होती थी तमिल लेखकों के द्वारा जिनको वो पढ़ता था। वेन ही वॉज नरेटिंग इवन अ स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। जब वह एक छोटी सी घटना का भी वर्णन करता था तो भी वह अनिश्चितता और आश्चर्य भरा अंत दिखाने का प्रयास करता था। उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन
अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ये कहने के बजाय कि उसने सड़क पर एक पेड़ को उखड़ा हुआ देखा, वह कहता था ही वुड से विद आईब्रो सुइटेबल आर्च एंड हैंड्स होल्ड आउट इन ड्रामेटिक गेस्चर्स। वह अपनी भौहों को उपयुक्त तरीके से सिकोड़ते हुए गोल करते हुए अपने हाथों को एक नाटकीय रूप से संकेत करते हुए ड्रामेटिक गेस्चर्स नाटकीय संकेत कहता था द रोड वॉज डिजर्टेड। रोड जो था वो सूना था, कोई वहाँ पर नहीं था। एंड आई वॉज अलोन और मैं पूरी तरह से अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट ही लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइक स्प्राउल्ड एक्रॉस द रोड। अचानक मुझे कुछ चीज़ दिखी जो कि एक विशाल काय और झाड़ी में रहने वाले जानवर की तरह प्रतीत हुई, जानवर की तरह दिखी, सड़क पर पड़ी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक और मैं पीछे को मुड़ने ही वाला था, वापस होने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा, आई सॉ दैट इट वॉज अ वॉलेंट्री तो मैंने देखा कि वह तो एक गिरा हुआ पेड़ है, सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट और जिसकी की सूखी हुई शाखाएँ जो थी वो फैली हुई थी। महेंद्रावुड स्ट्रीट स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल अनक्रिटिकली। और महेंद्र अपने आप को कैनवस की चेयर पर फैला लेता था पीछे को और उसके द्वारा कही गई कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुनता रहता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम हिज फेमस फॉर टिम्बर द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। वो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ वो टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन बुडागेन बिगिन ईश्वरन अपनी कहानी को कहना शुरू करता था। देयर इज अ रिचली बूडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है। द लॉक्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स और लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उनको हाथियों के द्वारा लोरियों यानी ट्रकों पर लादा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट और वे विशाल और अच्छी तरह से खाए पिए जानवर होते हैं हाथी। वेन दे टर्न बिल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम और जब वे हाथी पागल हो जाते हैं टर्न माने बदल जाते हैं बिल्ड माने जंगली असभ्य तो जब वे पागल हो जाते हैं इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम तो जो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत होता है वो भी उनको कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं होता है। आफ्टर दिस प्रोलूज ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू द एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रस्तावना के पश्चात ईश्वरन किसी हाथी से संबंधित कोई विस्तृत किस्सा छोड़ देता था, शुरू कर देता था। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टाम्पिंग ऑन बुशेस टेयरिंग अप बिल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। एक दिन अ टस्कर टस्कर माने हाथी वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड एक दिन एक हाथी बच कर के निकल गया टिम्बर यार्ड से जो लकड़ियों के कारोबार का जो अड्डा था वहाँ से एंड बिगेन टू रूम अबाउट और इधर उधर उसने घूमना शुरू कर दिया स्टाम्पिंग ऑन बुशेस जंगली झाड़ियों पर पैर रखते हुए उनको कुचलते हुए टीयरिंग द बिल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट बिल और बेलों को उखाड़ते हुए बेलों को तोड़ते फोड़ते हुए और अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए उधर उधर उसने घूमना शुरू कर दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड आप जानते हैं श्रीमान जी कि एक हाथी जब पागल हो जाता है किस प्रकार का व्यवहार करता है।
ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन खुद की अपनी कहानी में इतनी उत्तेजना में डूब जाता था कि वह फर्श से उठता सो दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। वो फर्श से उठता और कूदने लगता था स्टम्पिंग फीट इन इमिलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अपने पांव पागल हाथी की नकल करते हुए जोर से पटकते हुए वह उछल जाता था, कूदने लगता था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स। हाथी हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया, चार दीवारियों को माचिस की तीलियों को तोड़ता हुआ ही वुड कंटिन्यू बाय जारी रखता। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। वह एक मेन सड़क पर आया, मुख्य मार्ग पर आया और उसने सभी स्टॉलों को जिसमें कि फल मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने की दुकान थी सबको नाश करते हुए, सबको तोड़ते फोड़ते हुए। पीपल रैन हेल्टर सेल्टर इन पैनिक। लोग जो थे वो भय में इधर उधर को दौड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। और अब हाथी जो था कि स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश कर गया था। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स ईंटों की दीवारों को तोड़ते हुए ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। और सारे बच्चे जो थे वो अपने क्लासरूम्स में बंद हो गए और दरवाजों को उन्होंने ठीक करके बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। वो जानवर इधर उधर घुमा घुराया पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ते हुए किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर। और जो ड्रम पानी के लिए रखे गए थे उन पर ठोकर मारते हुए और उनको गिराते हुए एंड अप्रोच द सर्प्स और जो फुलवाड़ी थी जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे उनको उखाड़ते हुए। मैन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। और उसी समय जो स्कूल के जो सारे टीचर थे वो स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए थे। दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेशन लेसन का बाकी का पार्ट कल की वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा और लेसन का जो रिटर्न वर्क है वो PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। सभी भैया बहनों से आग्रह रिक्वेस्ट हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भैया बहन के पास तक ये पहुँच सके। देखने के लिए धन्यवाद।